इसका हाउस प्लान 28x40 का हाउस प्लान। नाउ स्टार्ट दिस प्लान। 28 28, ओके 28 और दिस साइड 40 फीट, ओके। तो 40 फीट एंड 28 का एक हाउस प्लान, 4 बेडरूम, 4 बेडरूम का हाउस प्लान, ओके। और नाउ हम इस प्लान में जो आउटसाइड वॉल और इनसाइड वॉल, इसको हम यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे इसको हाईलाइट करेंगे या फिल करेंगे इस वॉल को, जो वॉल है 5 इंच का वॉल आउटसाइड इनसाइड में। और आपको अगर इस प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, 5 इंच से 10 इंच करना है या 9 इंच का वॉल करना है, प्रोवाइड करना है, तो आप इस प्लान को मॉडिफिकेशन करके उसको चेंज कर कीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको अगर लगता है कंप्लीट ये प्लान अच्छा नहीं है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इस प्लान को। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप इसको मॉडिफिकेशन करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं तो इस प्लान के ऊपर आप घर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम देखिए, जो प्लान यहाँ पर अभी हम बना रहे हैं, इस साइड में थोड़ा सा 1 फीट या 1 फीट से ज़्यादा हम साइड में ऑफसेट लेने के बाद ही इस प्लान को स्टार्ट किया है। इसलिए इसका जो साइड है, 4 साइड में हम विंडो प्रोवाइड करने का ऑप्शन हमें मिला है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपका साइड में जो विंडो है उसको बंद करके और ऑप्शन डाक्ट या शेफ्ट का वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो वॉल है, यहाँ पर भी हमने हाईलाइट कर दिया है वॉल में। तो बिल्डिंग वॉल पहले हम करेंगे, क्योंकि ये वॉल का पोजीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद हम इसका जो यहाँ पर देखिए, ऐसे हम इधर प्रोवाइड करेंगे इसका विंडो, ओके। ऐसे विंडो प्रोवाइड करना है हमें, उसके बाद ऐसे विंडो प्रोवाइड करना है ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर रेलिंग का पोजीशन ऐसे रखना है, यहाँ पर भी रेलिंग आएगा जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर घर के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसका कॉलम का पोजीशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे, देखिए इस टाइप का कॉलम यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम जाएंगे इधर, तो इधर हम कॉलम प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद इधर 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 और इधर, ठीक है। हम ऐसे कॉलम प्रोवाइड करेंगे। कॉलम प्रोवाइड करने के बाद हम जाएंगे इसका डिटेलिंग पर। जो डिटेलिंग करने से पहले हम इसका जो यहाँ पर डोर का पोजीशन, यहाँ पर हम ऐसे डोर का पोजीशन ऐड करेंगे ऐसे, ओके। उसके बाद यहाँ पर ऐसे करना है ऐसे डोर, देखिए डोर जो है 3 फीट वाइड डोर बेडरूम का पोजीशन पर, और जहाँ पर टॉयलेट या और भी रूम है वहाँ पर, वहीं पर हम 2 फीट 6 इंच का डोर प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद देखिए इस यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे इधर से एंट्री, यहाँ पर लिविंग रूम डोर, यहाँ पर डोर, यहाँ पर डोर, यहाँ पर गेस्ट, और बेडरूम ऑप्शनल, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर बाथ प्लस लैट्रिन, यहाँ पर
पूजा और गॉड रूम, यहाँ पर आप स्टेयर का पोजीशन। चलिए पहले इसको हम यहाँ पर 10 फीट 4 इंच इधर डिस्टेंस 8 फीट 6 इंच इधर डिस्टेंस 8 फीट 6 इंच इधर डिस्टेंस 5 फीट 0 इंच इधर डिस्टेंस 11 फीट 0 इंच इधर डिस्टेंस 9 फीट 0 इंच इधर डिस्टेंस 3 फीट 6 इंच इधर डिस्टेंस 8 फीट 0 इंच बैल्कोनी, इधर डिस्टेंस 3 फीट इधर 3 फीट 3 फीट। ओके, इधर डिस्टेंस 7 फीट 9 इंच एंड इधर डिस्टेंस 9 फीट। ओके, 9 फीट एंड इधर रहेगा डाइनिंग एरिया, इधर उधर ओपन स्पेस, लेट एंड बाथ। ओके, 6 फीट 0 इंच एंड 7 फीट 8 इंच ओपन स्पेस, 12 फीट 9 इंच एंड 7 फीट 8 इंच। यहाँ पर भी आप बैठने का जगह कर रख सकते हैं या डाइनिंग एरिया इधर भी कर सकते हैं। डोर यहाँ पर किचन रूम डिस्टेंस वाइज 7 फीट 7 इंच एंड दिस साइड डिस्टेंस 8 फीट 5 इंच। ओके, नेक्स्ट डोर, दिस इज बेडरूम एंड दिस इज बेडरूम एंड डोर टॉयलेट एंड दिस साइड डिस्टेंस 11 फीट 0 इंच एंड दिस साइड डिस्टेंस 12 फीट 0 इंच एंड दिस साइड डिस्टेंस 11 फीट 0 इंच एंड दिस साइड डिस्टेंस 12 फीट 0 इंच एंड दिस साइड डिस्टेंस 4 फीट 4 इंच एंड दिस साइड डिस्टेंस 4 फीट 4 इंच and this side distance 5 feet 10 inch and this side distance 5 feet 10 inch। ओके, तो ऐसे करके हम इस प्लान को यहाँ पर तो कर दिया है। तो देखिए पहले फर्स्ट एक रूम, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 रूम यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया। बाकी जो स्पेस है यहाँ पर हमने सभी जगह पर यूटिलाइज किया। यहाँ पर एक पूजा रूम भी हमने ऐड किया है। तो ऐसे करके हमने इस प्लान को कंप्लीट किया है। उसके बाद इस प्लान का जो आउटसाइड का जो वॉल हमने दिखाया है यहाँ पर 5 इंच, आप इसको 9 इंच कर सकते हैं। तो आपका घर का अंदर का कुछ जगह यहाँ पर कम हो जाएगा, अंदर में भी 5 इंच। यहाँ पर जो कॉलम है यहाँ पर हमने 10 इंच बाय 10 इंच का कॉलम प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने प्लान यहाँ पर प्रोवाइड किया है। प्लान आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना।